फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइकल ब्राइस मिस्टर कुरुसावा को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल ब्राइस एक अपर लेवल का पर्सनल बॉडीगार्ड है, लेकिन जैसे ही मिस्टर कुरुसावा फ्लाइट में बैठते हैं, कोई स्नाइपर उनको शूट कर देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कहानी 2 साल बाद आगे मुड़ती है, जहां हम देखते हैं कि माइकल ब्राइस एक आदमी को सेफली उस बिल्डिंग में से निकालता है जहां पर काफी सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए आए थे। यहां हमें पता चलता है कि माइकल ब्राइस एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल बॉडीगार्ड है। दूसरी तरफ हम बलरिस में देखते हैं विलारस्लेव डोकोविच को, जो कि एक प्रोफेसर के घर में घुसता है और उसके सामने उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर ये सारी बातें कोर्ट के जजों को बताता है। वहीं हम देखते हैं कोर्ट के बाहर काफी लोग डुकोविच के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, और कोर्ट में डुकोविच के वकील ने ये सब दुश्मनों के चाल बताकर ये केस रद्द करवा दिया। यहाँ पर एंट्री होती है डेरियस किनकेड की। इंटरपोल के कुछ लोग उनसे डील करते हैं कि अगर वो डुकोविच के खिलाफ गवाही दें तो वो उनकी वाइफ को रिहा कर देंगे, और किनकेड उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। तब डायरेक्टर कसोरिया बताती है कि किनकेड को हीग लेके जाओ। यहाँ पर वो ये काम एजेंट रूसोल और उसकी टीम को देती हैं। एजेंट रूसोल इंटरपोल के लिए काम करती हैं और वो माइकल ब्रेस की गर्लफ्रेंड भी हैं, और अब इसकी टीम किनकेड को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक सही सलामत लेकर जाएगी। यहीं पर कुछ लोग उनके काफिले पर हमला करते हैं, जिसमें सिर्फ एमिला और किनकेड बचते हैं। किनकेड उसे बताता है कि यहाँ साफ पता चलता है कि इंटरपोल भी डुकोविच के आदमी से मिला हुआ है। ये जानकर एमिलिया किनकेड को एक सेफ जगह पर लेके जाती है। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि किनकेड को पैर में एक गोली लगी थी, जिसको वो निकालने लगता है, और साथ ही वो एमिलिया को समझाता है कि उसको किसी ऐसे बंदे से मदद लेनी पड़ेगी जो इंटरपोल को दूर दूर तक ना जानता हो। तब एमिलिया माइकल ब्रेस को कॉल करती है और उसे अपने सेफ हाउस में बुलाती है। दूसरी तरफ इंटरपोल को पता चलता है कि किनकेड उनकी गिरफ्त से भाग गया। यहाँ पर कसूरिया जीन को भी हेग में भेजती है और साथ ही डुकोविच के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ किनकेड अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया को कॉल करता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है, और यहाँ पर सोनिया किनकेड को अपनी लोकेशन बताती है। दूसरी तरफ माइकल एमिलिया के सेफ हाउस में जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइकल मिस्टर कुरुसावा की मौत का जिम्मेदार एमिलिया को मानता है। उसे लगता है कि एमिलिया ने इंटरपोल को खबर दी और मिस्टर कुरुसावा, जो कि जापानीज आर्म डीलर था, उसको इंटरपोल ने मार दिया। यहाँ पर एमिलिया को उन सब बातों से गुस्सा जाता है और वो माइकल से बोलती है कि उसने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ उसको छोड़ दिया, क्योंकि माइकल उसे उस गलती के लिए माफ कर ही नहीं पाया जो एमिलिया ने कभी की ही नहीं थी। इतने में ही किनकेड भी वहाँ आ जाता है, और किनकेड को देखते ही माइकल को गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते किनकेड बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके पैर पर गोली लगी थी जिसकी वजह से उसका काफी खून बह गया था। दूसरी तरफ हॉग में हम डुकोविच को देखते हैं, जहाँ पर जीन उससे मिलने आता है, और यहाँ हमें पता चल जाता है कि जीन ही वो इंटरपोल का खबरी है जिसकी वजह से एमिलिया के काफिले पर हमला हुआ था। दूसरी तरफ जब किनकेड बेहोश होता है, तब माइकल एमिलिया को बताता है किनकेड ने उसे 28 बार मारने की कोशिश की है, और एमिलिया माइकल को डुकोविच के बारे में सब कुछ बताती है। तो माइकल बोलता है कि इसे हेज ले जाओ, वहाँ पर ये गवाही दे सकता है, लेकिन एमिलिया सिक्योरिटी रीजन देती है। तो माइकल एमिलिया से कहता है कि वो इसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, इसके बदले उसको कुछ नहीं मिलेगा। तब एमिलिया उसके सामने एक डील लगती है कि अगर उसने इसका ये काम कर दिया तो वो उसको उसकी पसंदीदा पोजीशन दिलवा देगी, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी इंटरपोल की एक टीम वहाँ पे आती है, जिसे माइकल और किनकेड देख लेते हैं, और वो छिपके से उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक गाड़ी चुराते हैं। गाड़ी में बैठते ही माइकल उसको सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है, और सीट बेल्ट लगाते ही वो दोनों आगे के लिए चलने लगते हैं। दूसरी तरफ इंटरपोल एमिलिया से पूछताछ करता है, और एमिलिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो सही टाइम पर किनकेड को कोर्ट में जरूर ले आएंगे। और दूसरी तरफ डुकोविच के लोग माइकल और किनकेड को ढूंढकर उन पर अटैक करते हैं। अटैक में माइकल और किनकेड डुकोविच के सारे आदमी को मार देते हैं, लेकिन इसके बदले उनकी गाड़ी फट जाती है, और अब वो आगे का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। रास्ते में किनकेड माइकल को बताता है कि वो कैसे पहली बार सोनिया से मिला था, और रास्ते में वो एम्स्टर्डम जाने के लिए एक गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं। और जब वो सुबह एम्स्टर्डम पहुँचते हैं, तब किनकेड माइकल को बताता है कि उसने पहला कत्ल 16 से 17 साल की उम्र के बीच में किया था। तब रात को एक आदमी एक चर्च में घुसा, चर्च में फादर थे। फादर ने उस आदमी से कहा कि चोरी मत करो, तुम्हें जो लेना है आराम से ले जाओ,
लेकिन उस आदमी ने उस फादर को मार दिया। वो आगे बताता है कि बाइबल में लिखा है कि तुम कभी भी बदला मत लो। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसने अगले दिन ही उस आदमी को मार दिया क्योंकि चर्च के फादर कोई और नहीं केनकिड के रियल फादर थे। दूसरी तरफ कोर्ट में कार्रवाई शुरू होती है, जहाँ पर एमिलिया जजेस से कुछ टाइम मांगती है और बाहर जाकर माइकल को फ़ोन करती है। माइकल उसे बताता है कि वो 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगी और वो ऊपर किनकेड को देखने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो बाहर जाकर देखता है तो उसको किनकेड दिखता है। वो किनकेड का पीछा करता है और पीछा करते करते साथ ही उसको मारने आए लोगों को वो ठिकाने लगाता है और किनकेड एक जगह पर फूल लगता है। यहाँ में पता चलता है कि ये वही बिल्डिंग है जिसके सामने सोनिया यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड जेल में बंद है। यहाँ पर माइकल किनकेड को कन्फर्ट करता है कि क्या वो पागल हो गया है, कई लोग उसका पीछा कर रहे थे, आज वो मर सकता था। तब किनकेड उससे बोलता है कि उसे सब पता है कि वो उसको फॉलो कर रहा था और उसे उस पर भरोसा है। और यहाँ पे वो उसको कुछ टिप्स देता है कि कैसे उसको अपने और एमिलिया के रिलेशन को सही करना है। यहाँ पे माइकल भी उसे बताता है कि आज उसने एमिलिया से फ़ोन पर बात की और उससे कहा कि उसने उसको तकाशी कुरुसावा के लिए माफ़ कर दिया। ये सुनकर किनकेड बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। माइकल को कुछ समझ में नहीं आता। तब किनकेड उसे बताता है कि तकाशी कुरुसावा को उसने मारा था, ना कि इंटरपोल ने। ये सुनकर माइकल पूरा शॉक हो जाता है और उसे एक पंच मारता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ड्रिंक करने के लिए बाहर के एक होटल में जाता है। अब जैसे ही किनकेड नीचे आता है, डुकोविच के आदमी उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। माइकल भी पास के होटल में बैठा होता है और ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो किनकेड पर गुस्सा था इसलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन जब ज़्यादा गोलियाँ चलने लगती हैं तो वो किनकेड को बचाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे सीन देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर किनकेड एक नाव से बचता बचाता भागता है तो वहीं दूसरी तरफ माइकल अपनी बाइक राइडिंग स्किल से उनकी गाड़ियाँ आपस में भिड़वा देता है और किनकेड को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। लेकिन माइकल डुकोविच के आदमी के कब्जे में आ जाता है। वो उसको एक सीक्रेट हाउस में लेके जाते हैं। यहाँ पर वो माइकल को टॉर्चर करते हैं, लेकिन तभी किनकेड वहाँ जाता है और उसे उन लोगों से बचाता है। वो उसे बचते बचाते हुए बाहर लेके आता है और गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर जब माइकल को होश आता है तो किनकेड उससे हर चीज़ के लिए सॉरी बोलता है, उसकी जॉब का स्टेटस छीनने के लिए, कुरसावा को मारने के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड छीनने के लिए, यानी कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ उन सब का जिम्मेदार किनकेड था और वो उस सब चीज़ के लिए उससे सॉरी बोलता है। इसलिए रास्ते में जाते जाते माइकल एमिलिया को कॉल करता है और अपनी सभी गलती की माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने अपने सभी गलतियों का जिम्मेदार एमिलिया को ठहराया था। लेकिन तभी किनकेड उसे बताता है कि पीछे डुकोविच के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर माइकल एमिलिया को अलविदा बोलने ही वाला था, लेकिन तभी किनकेड गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक मार देता है जिससे माइकल उछल के बाहर जा गिरता है। और तभी डुकोविच के आदमी वहाँ आकर उसकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। माइकल पैदल वहाँ से भागता है और किनकेड गाड़ी में। गाड़ी में माइकल का फ़ोन भी होता है जिस पर एमिलिया सब सुननी होती है। तब किनकेड एमिलिया को सारी बातें बताता है और उसे माइकल को माफ़ करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ माइकल अपनी जान बचाता हुआ मेट्रो के जरिए एक होटल में आ जाता है और कुछ देर बाद किनकेड आकर उसे वहाँ से पिक कर लेता है। और अब वो दोनों कोर्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर किनकेड डुकोविच के सारे गुनाह जजेस को बताता है, वो भी सबूत के साथ। सबूत देखने के बाद चेन वहाँ से जाने लगता है, जिस टाइम मीडिया को पता चल जाता है कि इंटरपोल का खबरी वही था और वो भी उसके पीछे जाने लगती। और दूसरी तरफ डुकोविच खड़ा होकर खुद ही कोर्ट के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। और दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा बम विस्फोट होता है जिससे कोर्ट में बैठे सारे लोग दहल जाते हैं। और यही मौका देखकर डुकोविच किसेन को गोली मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी माइकल बीच में आ जाता है और वो गोली माइकल को लग जाती है। ये देखकर किनकेड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कोर्ट से बाहर भाग रहे डुकोविच को कोर्ट की टाइल्स पर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसको गुस्सा तब आया जब उसने उसके बॉडीगार्ड को मारा। और ये बोलकर वो उसे टाइल्स पर से ही धक्का देता है और नीचे गिरकर डुकोविच की मौत हो जाती है। और फिर किनकेड नीचे आकर माइकल से बोलता है कि उसे उसको एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अब उसकी वजह से उसकी लाइफ फिर से वापस पुराने जैसी हो रही है। माइकल उससे पूछता है वो कैसे। तब किनकेड उसे बताता है कि जब वो कार से कूदा था तो उसने एमिलिया को सारी बातें बता दी थी। और इसी के साथ माइकल को पुलिस स्ट्रक्चर पर डालकर एम्बुलेंस में डालती है। और आगे हम देखते हैं कि न्यूज़ में खबर आई है कि डेरियस किनकेड भारी सुरक्षा बलों को चकमा देकर जेल से फरार हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।